नमस्कार, मोटी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लुसेंट वस्तुनिर सामान्य ज्ञान, नरमपंथी या उदारवादी चरण, 1885 से 1905 ईस्वी तक। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उदारवादी चरण। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, बम्बई। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वीर व्यक्ति कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दादाभाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एलन ओक्टोवियन हुइम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए ओ हुइम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वासित हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दादाभाई नौरोजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादाभाई नौरोजी, पहला, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। दूसरा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। तीसरा, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, एक और दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि ए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे, वी, बम्बई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए ए ओ हुइम के सुझाव से सहमत थे, सी, प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बम्बई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता, डी, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व है जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्जीवेशन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, लीटन। लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, 1878। इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था?
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रिपन। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको अनरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1885 में। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए असैनिक सेवक। अधिकतर नरमपंथी नेता थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजा, ये पहला है बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा है मद्रास महाजन सभा, तीसरा है इंडियन एसोसिएशन, चौथा है इंडियन लीग। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 3 4 2। बम्बई एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, मद्रास महाजन सभा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था हुआ थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा, जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी WC बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1837 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जमींदार। दादाभाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लंदन। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी महादेव गोविंद रनाडे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 और 3। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए द डक्कन एसोसिएशन। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी द्वारकानाथ टैगोर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 संस्था, सूची 2 स्थापना वर्ष। ए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, वी मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, सी
पूना सार्वजनिक सभा 1876, डी इंडियन एसोसिएशन 1876। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए सूची वन और सूची दो को। ए मद्रास महाजन सभा 1884, वी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, सी इंडियन एसोसिएशन 1876, डी कांग्रेस 1885। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया। ए भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, वी शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, सी जमींदारों द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों के साथ सहयोग, डी अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती में लगाए गए मजदूरों की दयनीय स्थिति। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1883 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी 1886 ईस्वी में। सूची वन को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची वन में कांग्रेस के उद्यम संबंध संबंधी मत, सूची दो प्रतिपादक। ए रहस्यमय उद्यम, पदावी सीतारमैया, वी थियोसोफिस्टों की योजना एनिवेशन, डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज डब्ल्यूसी बनर्जी, डी सुरक्षा कपाट का सिद्धांत लाला लाजपत राय। सूची वन को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची वन में पुस्तक, सूची दो में है लेखक। ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पदावी सीतारमैया, वी हाउस इंडियन फॉट फॉर फ्रीडम एनी वेसेंट, इंडिया टुडे आरपी दत्त 1857 एसन सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 72। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दो बार की। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी वेडरवर्न। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरे तरह देश को नष्ट कर रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डफरिन। किसने कहा मुझे खुशी है कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि वह राजद्रोही संस्था है और इसके लिए नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी एलिगन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे। पहला है सैयद अहमद खां, दूसरा है बनारस के राजा शिव प्रसाद, तीसरा है हैदराबाद के नवाब, चौथा है दिनसा मानक जी पेटिट। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी। उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधक थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रार्थना याचना व विरोध। उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उग्रवादियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की और कब की। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी जन आंदोलन। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मजा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी
राज से हुए फायदों का ज्ञान है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दादाभाई नरोजी। किसने कहा था, भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, एलिगन। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा, अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोवेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाजपत राय। किस उग्रवादी नेता ने उग्रवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टटरा कर चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, बाल गंगाधर तिलक। 1857 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1905 ईस्वी में। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना और औरंगजेब से किसने की। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दादाभाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, लॉर्ड डफरिन। इनमें से किसने यह कहा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ है जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आरपी दत्त।